बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हैं कि हमें हेडिंग पर वीडियो चाहिए, क्योंकि हेडिंग ने बहुत परेशान कर रखा है। हेडिंग हमसे नहीं निकलती है, ये एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है, पेपर सिर पे आ जाता है, फिर भी बच्चों को इसी से डर लग रहा होता है। तो आज हम उस डर को खत्म करेंगे। आज जो मैं आपके साथ हेडिंग के स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाला हूं, और जो आपको तरीके बताने वाला हूं, जो आपको बताऊंगा, आप जो गलतियां करते हैं अगर आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हेडिंग अब आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी। राइट, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करें। अच्छा, मैंने जो हेडिंग पिक की है, इसके अंदर हम मिलजुल के करेंगे इसको। रीजन बीइंग, जो आज मैं हेडिंग लेके आया हूं, देयर आर सेवन क्वेश्चंस। ठीक है, चार तो मैं आपके साथ मिलकर यहीं पे आपको सॉल्व कर दूंगा, जो तीन है वो आपका होमवर्क है, जो आपने करना है, और जो आपके आंसर आएंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताएंगे कि सर ये आंसर आया है। राइट, चलें, लेट्स मूव अहेड। जैसे कि हमेशा होता है, हम कोई भी क्वेश्चन टाइप डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। हेडिंग की क्या स्ट्रेटेजी है? हेडिंग की स्ट्रेटेजी है, ओके, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज टू फाइंड हेडिंग्स, लेकिन जो हम करने वाले हैं उसमें हम पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना उसको हम समझ सकते हैं, जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से हम उसको समझेंगे। और क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द मेन आइडिया, जिस्ट, है ना, एक हेडिंग अपने माइंड में खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मैंने ये पढ़ा है, इसने ये बात हुई है, तो ये इसकी हेडिंग होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आपने पहले ये निकालना है। राइट, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस पर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर ऑप्शन पर जाएंगे। पहले हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसके अपने माइंड में हेडिंग निकाली, हाँ इस पैराग्राफ में ये बात हुई थी, फिर हमने ऑप्शंस पर जाना है। उससे पहले ऑप्शंस पर नहीं जाना, बच्चे ये हमेशा करते हैं, पहले वो ऑप्शन पर चले जाते हैं या पैराग्राफ शुरू करने से पहले ऑप्शन को देखते रहते हैं, ये ऑप्शंस है किस तरह से मैं इनको पैराग्राफ के अंदर फिट कर लूं। ऐसे नहीं करना है, दे नो कि आप ये करते हो, इसीलिए वो इस तरह की हेडिंग डालते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। प्लीज पैराग्राफ पे ध्यान रखें, पैराग्राफ को पहले पढ़ें, उसकी हेडिंग अपने दिमाग में एंटिसिपेट करें, फिर ऑप्शन पर जाएं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट बना रहेगा अगर आप हर टाइम ऑप्शन की तरफ देखते रहोगे। राइट, ठीक है, ओके, अब हम ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चाहे हम हेडिंग के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज भी तंग करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हमने आंसर नहीं ढूंढना, हमने ये देखना है कौन से आंसर फिट नहीं होंगे। वंस अगेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये करना शुरू कर देते हो, आपको हेडिंग्स और एमसीक्यूज तंग करना बंद कर देंगे। ठीक है, आज मैं आपको कहता हूं, अगर आपने कुछ चेंज करना है, आप रीडिंग में स्कोर लेना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज ये कर लो कि आप आंसर ढूंढने के बजाय एलिमिनेशन मेथड पर जोर डालना शुरू कर दो, स्पेशली हेडिंग्स और एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे, अभी आप करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि हम जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो हमारे आंसर कितने आसानी से निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि अदरवाइज जो तरीके आप यूज करते हैं आंसर ढूंढने के, आप उनसे ढूंढते रहेंगे इस रीडिंग के अंदर, आपको हेडिंग के अंदर हमेशा कंफ्यूजन आती रहेगी। राइट, चलिए, इससे पहले कि हम अपना आंसर ढूंढना शुरू करें, पैराग्राफ पढ़ें, एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, जब हम हेडिंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक पैराग्राफ की एक ही हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ की एक ही हेडिंग होती है, ओके, और एक हेडिंग के लिए एक ही पैराग्राफ होगा। मतलब कि अगर आपने एक पैराग्राफ के आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर गलत है, आपको एक हेडिंग हटानी पड़ेगी, और दो पैराग्राफ की भी एक ऑप्शन पिक नहीं हो सकती। ये चीज हमें आंसर ढूंढने में हेल्प भी करती है, ये चीज हमें कंफ्यूज भी करती है, तो अब हम देखेंगे आगे कैसे ये हमें कंफ्यूज करेगी या कैसे ये हमें हेल्प करेगी। राइट, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा जाके दोबारा से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, तो इस तरफ हमारे हमारा पैराग्राफ रहेगा जिसकी हमने हेडिंग्स निकालनी है, और इस तरफ कह रहेंगे हमारी ऑप्शन या हमारे क्वेश्चन रहेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने ऑप्शंस नहीं देखने हैं, तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए ऑप्शंस को छुपा देता हूं। ठीक है, यहां पे तो मैंने छुपा दिया है, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको खुद देखने की, आप उस तरफ ना देखें। राइट,
चलिए देखिए हमारा जो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है हमें। ओके सो इट इज अबाउट पिरामिड्स, द स्टेप पिरामिड ऑफ द जोसर। इसका डी कैपिटल है, या तो जगह का नाम होगा या किसी इंसान का नाम होगा, राइट। द पिरामिड्स, अब हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी तरफ से उसकी हेडिंग निकालेंगे, फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। द पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड एनॉर्मस इंटरेस्ट फॉर पीपल इन द प्रेजेंट डे। कह रहे जो पिरामिड हैं वो बहुत फेमस हैं और लोगों के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट जनरेट करके रखते हैं, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, राइट। दीज ग्रैंड इंप्रेसिव ट्रिब्यूट टू द मेमोरी ऑफ द इजिप्शियन किंग हैव बिकम लिंक्ड विद द कंट्री इवन दो अदर कल्चर सच एज चाइनीज एंड मायान ऑल्सो बिल्ट पिरामिड। कह रहे कि ये पिरामिड का जो नाम है ये इजिप्ट के साथ जुड़ गया है, ठीक है। लोग जैसे पिरामिड आता है तो उनके माइंड में क्या आता है, इजिप्ट की बात हो रही होगी, जबकि जो पिरामिड है वो चाइना में भी है और माया कल्चर में भी थे, राइट। द इवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज बीन रिटन एंड आर्ग्यूड फॉर सेंचुरीज। भाई पिरामिड सबसे पहले कहाँ आए थे, कैसे बने थे, इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं, लोग अलग अलग थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं। हाउएवर देयर इज नो क्वेश्चन दैट एज फार एज इजिप्ट इज कंसर्न इट बिगेन विद वन मॉन्यूमेंट टू वन किंग डिजाइन बाय वन ब्रिलियंट आर्किटेक्ट द स्टेप पिरामिड ऑफ द जोसर एट सकारा। अब यहां पे क्या है हमारे पास, हाउएवर, तो कह रहे जो ऊपर है उससे कुछ अलग। तो ऊपर हमें क्या बता रहे हैं कि पिरामिड फेमस हैं, लोगों में डाउट है अभी अलग अलग तरह से पिरामिड कहाँ कहाँ से आए, लेकिन एक चीज पक्की है, देर इज नो क्वेश्चन, एक चीज पक्की है कि इजिप्ट के लिए सबसे जो अपना पहला मॉन्यूमेंट था किंग का वो कौन सा था, एक डजोसर एट सकारा, राइट। तो हम देखें इसमें क्या हुआ है बेसिकली। इसके अंदर ये बताया है कि इजिप्ट के अंदर पिरामिड है, लोगों को अच्छे लगते हैं, ठीक है। इजिप्ट के अलावा और जगह पर भी है, लेकिन एक बात वहां पर ना बहुत सारे व्यूज हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो इजिप्ट है उसका सबसे पुराना मॉन्यूमेंट कौन सा है, डजोसर एट सकारा, राइट। अब हमने ये देख लिया, अपने माइंड में ये बना लिया, अब हम ऑप्शंस देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, राइट। चलो देखें, सो दीज आर अवर हेडिंग्स। चलो द एरिया एंड आर्टिफैक्ट विद इन द पिरामिड इटसेल्फ। हमने पहले आंसर नहीं ढूंढना, हमने जो आंसर नहीं है उनको हटाना है बस, ठीक है। कि पिरामिड का एरिया और उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं उसकी बात की गई है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है ना। अ डिफिकल्ट टास्क, एक कोई मुश्किल काम है, किसी मुश्किल काम की बात यहां पर हमारे पास नहीं हुई है। अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल, एक राजा जिसने अपने लोगों को बचाया, यहां पे राजा का नाम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने मॉन्यूमेंट बनाया था, उसने लोगों को बचाया, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट, एक चीज पक्की है बाकी सब कुछ डेफिनेट नहीं है। तो जैसे हमने इसमें देखा था लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो इजिप्ट के लिए यही एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है क्या, जिसका नाम है स्टेप पिरामिड। तो ये ऑप्शन हो सकती है। एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरिया, बिल्डिंग के बाहर के बारे में बताया गया हो कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा पिरामिड जिसके डिजाइन को और लोगों ने कॉपी किया, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। एन आइडिया फॉर चेंजिंग अ डिजाइन ऑफ बर्डल स्ट्रक्चर, कोई डिजाइन को चेंज करने का आइडिया ऐसा कुछ हुआ, नो। एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन, कोई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ हो किसी को, नो। एन आंसर, सॉरी द आंसर्स टू सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब इस ऑप्शन को बच्चे बहुत ज्यादा इससे कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बता रहे हैं यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो ये क्या देखते हैं, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन आ गया, यहां पे आ गया क्वेश्चन, इससे इसको बच्चे मिला देते हैं। लेकिन हम देखें कोई आंसर्स मिले हैं इसके, इसके आंसर मिले हैं जो उन्होंने पूछे, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर नहीं मिले हैं, बस कुछ और उन्होंने बात की है, राइट। सो दिस इज द कॉमन आंसर दैट इज गिवन, और ये यूजुअली क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। लेकिन जब हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया तो हमें पता लगा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगी इसकी, वो कौन सी है, फोर्थ। ओके, जैसे ही फोर्थ ऑप्शन बनती है इसकी, राइट, तो जो हमारा पैराग्राफ ए है उसके आंसर क्या हो गया,
इसका आंसर हो गया है फोर्थ। अब इससे हमें क्या पता, ये कंफर्म आंसर लिख रहा है हमें, क्योंकि कोई और ऑप्शन वहां पर फिट नहीं हो रही। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो और किसी में यूज नहीं होगी। देखो आगे पढ़ेंगे हम फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम कंफर्म है, यस राइट। चलिए दिस वाज अवर फर्स्ट पैराग्राफ, मूव अहेड, लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ क्या कहते हैं, अब ये क्या बता रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं। जसर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द थर्ड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड द फर्स्ट टू बिल्ड इन स्टोन। कह रहे हैं ये जो राजा था ये पहला राजा था इजिप्ट की थर्ड डायनेस्टी का, और इसने पहली बार स्टोन में बनाया था। ठीक है, जितनी डिटेल्स हम बस ऊपर ऊपर से आइडिया ले लेते हैं। प्रायर टू जसर्स रेन, रेन का मतलब उसके राज से पहले, इस राजा के राज से पहले, द टॉम्स वर रेक्टेंगुलर मॉन्यूमेंट मेड ऑफ ड्राइड क्ले ब्रिक विच कवर्ड अंडरग्राउंड पैसेजेस वेयर द डिसीज पर्सन वर बरिड। अच्छा अगेन आई एम हाइडिंग इट ताकि हम ऑप्शन की तरफ ना देखें, राइट। तो कह रहे हैं इससे पहले, इसके राज से पहले क्या होता था, ये टॉम्स बनाए जाते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, और किससे बनते थे, क्ले ब्रिक से, ईंटों से बनते थे ये, और एक अंडरग्राउंड पैसेज होता था जिसके अंदर डिसीज, डिसीज का मतलब क्या होता है, जो इंसान मर गया है। तो जो ये पिरामिड या ये जो टॉम्ब है इनमें क्या होता है, मरे लोगों की कब्रें ही होती है इसको, तो दीज आर व्हाट दे आर मेड फॉर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पहले ये होता था, इसके टाइम में कुछ चेंज हो गया, फॉर रीजन विच रिमेन अनक्लियर। क्या कुछ रीजन है हमें नहीं पता क्या रीजन है वो। तो ये जो ये राजा था डजोसर्स मेन ऑफिशियल, इसका एक कोई इसके दरबार में काम करता होगा बंदा, उसका नाम क्या है, इम्फोटेप। उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग्स ये जो बनती थी पिरामिड इनको ज्यादा ऊंचा बनाया, ज्यादा इंप्रेसिव बनाया, कैसे, बाय स्टैकिंग स्टोन स्लैब ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। तो अभी यहां पे हमें क्या पता लगा, एक राजा था जिसका नाम है डजोसर, उसके राज से पहले क्या होता था, ये जो ये पिरामिड ये टॉम बनते थे ये ईंटों से बनते थे। अब इसका एक कोई ऑफिशियल है इंफोटेप, उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग को ज्यादा ऊंचा बनाया, और किससे बनाया, पत्थर के साथ बनाया। अभी तक ये हमें समझ में आया, राइट। प्रोग्रेसिव मेकिंग द स्मॉलर टू फॉर्म द शेप नाउ नोन एज स्टेप पिरामिड। ठीक है, अब उसमें क्या करता था, वो पत्थर एक के ऊपर एक रखता चला जाता था, और जो उसकी जो शेप होती थी वो शेप वो है जो आज के स्टेप पिरामिड की शेप है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। ये राजा था डजोसर इज थॉट टू रेन फॉर 19 ईयर, 19 साल इसने राज किया, बट सम हिस्टोरियन स्कॉलर एट्रीब्यूट अ मच लॉन्गर टाइम फॉर हिज रूल ओइंग टू नंबर एंड साइज ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही बिल्ट। लेकिन कुछ हिस्टोरियन और स्कॉलर ये कहते हैं कि ये 19 साल से ज्यादा इसने राज किया होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतनी सारी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट कोई एक राजा नहीं बना सकता। 19 ईयर इज वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम है। ओके, अब हमें यहां से क्या पता लगता है कि एक राजा है थर्ड डायनेस्टी का है। ठीक है, उससे पहले जो ये मॉन्यूमेंट बनते थे क्ले ईंटों से बनते थे, उसका एक कोई मंत्री या कोई बंदा था जिसने क्या किया, इंफोटेप नाम था उसका, उसने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई पत्थरों से बनाई। ठीक है, एक नया तरीका लेके आया वो। ठीक है, और हम 19 साल का उसका राज था, लेकिन जिस हिसाब से उसे बिल्डिंग बनाई लगता नहीं था कि 19 साल का उसका राज। तो बेसिकली क्या किया गया, इसके राज और एक पहले किसी और तरीके से बिल्डिंग बनती थी, अब किसी और तरीके से बन रही है इंफोटेप के कहने पर, राइट। अब देखिए कौन सी ऑप्शन फिट होगी। वंस अगेन हम क्या करेंगे, आंसर नहीं ढूंढेंगे, एलिमिनेट करेंगे। व्हाट विल वी डू, विल यूज एलिमिनेशन मेथड। एरिया एंड आर्टिफैक्ट विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, पिरामिड का कितना एरिया होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती है, ऐसी कोई बात हुई है इसके अंदर, नो। एक मुश्किल काम था लोगों का जो कर रहे थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल, अब ये ऑप्शन बहुत बच्चे पिक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है किंग कब से कब राज किया, तो वो इसको पिक कर लेते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, हु सेव्ड हिज पीपल, जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तब हम बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे सारी बातें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। किंग की बात हुई है लेकिन उसने अपने लोगों को बचाया कि नहीं बचाया, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें इतना ही नजर आ रहा है कि जो ये पिरामिड बन रहे थे पहले ईंटों के बनते थे, अब इसने पत्थरों के बनाने शुरू कर दिया, राइट। वो भी इसके कोई इन्फोटेप था उसने बनाए। अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट, ये पहले ही हो चुका है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, वैसे भी किसी ऐसी सर्टेनिटी की बात नहीं हुई है इसके अंदर। ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग्स एंड एरियाज, बाहर की बिल्डिंग और एरिया कैसे होते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक पिरामिड का डिजाइन जो अदर्स ने कॉपी किया, और उन्होंने कॉपी किया पिरामिड का डिजाइन, उन्होंने बताया कैसे हुआ। फिर देखो
यहाँ पर डिजाइन उन्होंने बताया कि हाँ कैसे ईंटों से वो बनना शुरू हो गया, कैसे इस एक के ऊपर एक स्लैब रखी जाती थी, लेकिन लोगों ने कॉपी किया ऐसी कोई बात नहीं हुई है, राइट। डिजाइन है, कॉपी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी फिट नहीं होगी। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन ऑफ बर्लियर स्ट्रक्चर, कि एक आइडिया था जो इसके अंदर क्या कह रहे थे कि जो बर्लियर स्ट्रक्चर है उसका डिजाइन चेंज कर दिया जाए। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन, ओके दिस कुड बी द आंसर, राइट। और उसके बाद है एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट, को बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया वहां पर। नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं हुई। आंसर टू सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें नहीं मिल रहे थे और वो अब मिलना शुरू हो गए हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आंसर जिसके अंदर हुए नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन ऑफ बरियल स्ट्रक्चर, राइट। तो एक यही ऑप्शन बनती है, अगर हम सिंपल आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो शायद हमें इतना आंसर ना नजर आए, लेकिन जैसे ही हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आती है, अदरवाइज ये ऑप्शन हमारे पास आनी ही नहीं थी, हमने कंफ्यूज होकर कोई ना कोई गलत ऑप्शन लिख देनी थी। अच्छा एक और चीज है, जब हेडिंग हम एक आंसर गलत कर देते हैं ना, तो जो वो जिसका सही आंसर होता है वो क्वेश्चन भी गलत होना शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करें ताकि हमारे गलत आंसर कहीं पे फिट ना हो। हेडिंग इसीलिए ट्रिकी है, हेडिंग में इसलिए बच्चों के आंसर नहीं आते, क्योंकि अगर आपने एक आंसर गलत कर दिया वो एक गलत नहीं होगा, दो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसका वो सही आंसर है वो भी आगे गलत होने वाला है, कम से कम दो आंसर आपके एक ही बार में गलत हो जाएंगे, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जबरदस्ती आंसर ढूंढ रहे होते हैं, राइट। ओके सो दिस इज डन, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7th, है ना। अदरवाइज हमें अगर सिंपल आंसर ढूंढते हमें ये कभी लगना ही नहीं था, लेकिन अब एलिमिनेशन मेथड से हमारा यही आंसर बन रहा है, राइट। चलिए लेट्स मूव अहेड, इसको मैं फिर से छुपा देता हूं। सी कह रहे जो स्टेप पिरामिड है हमने इनको बहुत थॉरली एग्जामिन किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, एंड इट्स नाउ नोन दैट बिल्डिंग प्रोसेस वेंट थ्रू मेनी डिफरेंट स्टेजेस। कह रहे कि इसका जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारी स्टेजेस थी। एक हिस्टोरियन है मार्क वैन डी मेरोप, उन्होंने कमेंट किया है मैनी एक्सपेरिमेंटेशन वॉज इन्वॉल्व विच इज स्पेशली क्लियर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड इन द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कह रहे बहुत सारे जिसके सेंटर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हो कि कैसे इसका सेंटर बनाया जाता था, बहुत सारे प्लान थे इसके। बिफोर इट बिकेम द फर्स्ट स्टेप पिरामिड हिस्ट्री पाइलिंग 6 लेवल ऑन टॉप ऑफ वन अदर द वेट ऑफ एनॉर्मस मास वाज चैलेंज। अब वो बता रहे कैसे बनता था कि कह रहे देयर आर 6 लेवल्स, 6 लेवल पर उन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सेंटर में जो मास है वो उसका जो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिल्डर के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर है उनको सेट करना ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे स्टोन को इनवर्ड इक्लाइन के ऊपर रखते थे टू प्रिवेंट द मॉन्यूमेंट ब्रेकिंग अप। अब लुक इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब वो कैसे बना रहे हैं पिरामिड, दिस इज पिरामिड, तो ये ऐसे करके अंदर की तरफ जा रहा, राइट। अब ये पत्थर बहुत भारी हैं, तो कह रहे यही बिगेस्ट चैलेंज था, ये बहुत मुश्किल काम था कि बीच में ना गिर जाए, और इस पत्थरों को इसलिए एक के ऊपर एक रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, राइट, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमने क्या देखा कि जो कह रहे हमने उसको बहुत ध्यान से इसको इन्वेस्टिगेट किया, एग्जामिन किया, और हमें उसका बिल्डिंग प्रोसेस बन गया कि उसके 6 स्टेप होते थे, पत्थर के ऊपर एक रखे जाते थे, और ये बहुत ही मुश्किल काम था बिल्डर्स के लिए। तो फिर हमें क्या नजर आता है कि हमें बताया गया प्रोसेस क्या होता था और प्रोसेस की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू। अब हम फिर अगेन व्हाट विल वी डू, वी गो टू ऑप्शंस एंड यूज एलिमिनेशन मेथड। जितनी बार मर्जी कर दूं मैं एलिमिनेशन मेथड ही आपको हेडिंग से पार करने वाला है, राइट। एरिया और आर्टिफैक्ट विद इन द पिरामिड, पिरामिड का एरिया कितना था, उसके बीच में क्या चीजें रखी थी, इसकी बात हुई है। नो, अ डिफिकल्ट टास्क, हाँ डिफिकल्ट चैलेंज की बात हुई थी, हाँ एक डिफिकल्ट टास्क आ गया ये। अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल, नहीं किंग राजा ने अपने लोगों को बचाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। सिंगल सर्टेनिटी अमंग लेस डेफिनेट फैक्ट्स, ये वैसे हमारा आंसर पहले आ चुका है, इसमें किसी सर्टेनिटी की बात नहीं हुई है। ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरिया, बाहर की बिल्डिंग और एरिया की कोई बात हुई हो, नो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। पिरामिड डिजाइन, पिरामिड के डिजाइन की बात हुई है, लेकिन औरों ने उसको कॉपी किया हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बच्चे बस पिरामिड डिजाइन देखकर टिक कर देते,
यहाँ पिरामिड डिजाइन आ गया, हमारा आंसर आ गया है नहीं, अदर स्कोपिड, हमें पूरी ऑप्शन चाहिए, नहीं तो हम इसमें हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। लेट्स मूव हेड, एन आइडिया फॉर चेंजिंग, ये हमने पहले कर लिया, उन्होंने चेंज कर दिया था बल्ले का डिजाइन, इसलिए ये नहीं होगा, पर इसमें भी कोई चेंज ऑफ डिजाइन की बात नहीं, डिजाइन बताया है उसके चेंज की बात नहीं बताई है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, नो देयर इज एनी सच एक्सपीरियंस, आंसर टू सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश की गई है, हाँ उन्होंने एग्जामिन किया है, एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर मिले, ऐसा कुछ नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड इसके अंदर कुछ नहीं था, एटलीस्ट पैराग्राफ में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, पिछले पैराग्राफ में की थी बात, लेकिन यहां पर ये बात नहीं हुई है, राइट, तो फिर ये भी आंसर नहीं हुआ। हमारा आंसर क्या आ गया यहां पर, अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, इस काम को करने वालों के लिए मुश्किल टास्क था, हमने देखा था ना वो क्या कह रहे थे, मास वाज अ चैलेंज फॉर बिल्डर, इसका जो वेट था वो क्या था, चैलेंज था, ये क्या है, डिफिकल्ट टास्क और चैलेंज, राइट, ठीक है, हमारे ऑप्शन मिल गई, चलिए हमने तीन आंसर निकाल लिए, लेट्स मूव टू फोर्थ पैराग्राफ, व्हेन फाइनली कंप्लीटेड द स्टेप पिरामिड रोज 62 मीटर हाई एंड वाज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स टाइम, जब ये बन गया तो ये कितना बड़ा था, 62 मीटर, और उस टाइम की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, ठीक है, चलो इसका मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके साइज वगैरह की बात होने वाली है, द कॉम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ट वॉज द साइज ऑफ अ सिटी इन एंशियंट इजिप्ट एंड इंक्लूडेड अ टेम्पल कोर्टयार्ड श्राइन्स एंड लिविंग क्वार्टर फॉर द प्रीस्ट, तो कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स जिसमें ये बनाया गया था ये एक पूरे शहर जितना बड़ा था, आज जितने शहर जितनी उस टाइम जो शहरों का साइज होता होगा उतना बड़ा ये एक पिरामिड का कॉम्प्लेक्स ही था, इसके अंदर टेम्पल भी थे, कोर्टयार्ड भी थे, श्राइन्स भी थी और प्रीस्ट के रहने के लिए क्वार्टर भी थे, ठीक है, अब देख लो हालांकि इसमें कब्रें ही होनी है फिर भी उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इट कवर्ड अ रीजन ऑफ 16 हेक्टेयर एंड वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल 10.5 मीटर हाई, 16 हेक्टेयर में बना था ये, इसके आसपास दीवार थी जो कितनी बड़ी थी 10.5 मीटर, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि हमें पता लग रहा है कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या क्या है इसके अंदर, इस तरह कुछ बता रहे हैं इसके अंदर, राइट, 13 देयर द वॉल हैड 13 फॉल्स डोर्स कट इनटू इट विद ओनली वन ट्रू एंट्रेंस कट इनटू द साउथ ईस्ट कॉर्नर, अब कह रहे हैं जो ये दीवार थी ये क्या थी, ये इसमें 13 फॉल्स 13 झूठे दरवाजे लगाए थे उन्होंने, क्या किए थे उन्होंने, झूठे, अब झूठे दरवाजे को लगाते थे जो पिरामिड्स वगैरह में के अंदर ना इन्होंने कीमती सामान रखा होता था, झूठे दरवाजे से लगाते थे जो चोर वगैरह हैं वो अगर आएंगे तो वो भटक जाएंगे, उनको असली दरवाजा या असली रास्ता नहीं मिलेगा नीचे पहुंचने का, हालांकि जो मर्जी कर लें चोरों ने बाद में रास्ते ढूंढे लेने होते, बट स्टिल उन्होंने अपनी तरफ से क्या सिक्योरिटी लगाई थी कि उन्होंने 13 झूठे दरवाजे लगाए थे, द एंटायर वॉल वॉज देन रिंग्ड बाय अ ट्रेंच 750 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, अब उसके आसपास क्या किया उन्होंने एक बहुत बड़ी खाई भी बना दी थी, क्या बना दी थी, खाई जो कितनी बड़ी थी 750 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, द फॉल्स डोर एंड द ट्रेंच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉम्प्लेक्स टू डिस्कर्ज अनवांटेड विजिटर, अच्छा ये क्यों बनाए थे उन्होंने, वो चाहते थे कि जो लोग हम नहीं चाहते वो लोग अंदर ना आए, तो बेसिकली वो चोरों को ही रोकना चाहते थे, इफ समवन विश टू एंटर ही और शी वुड हैव नीडेड टू नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द टू ओपनिंग, किसी ने आना है तो उसको सही रास्ता पता होना चाहिए, सिजर वाज सो प्राउड ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट दैट ही ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग only his own name on the monument and had Imhotep's name carved on it as well. अब वो जो राजा था वो इतना खुश हो गया, इतना प्राउड हो गया इसके ऊपर कि एक ट्रेडिशन था कि जब भी जो ये पिरामिड बनते थे इन पर राजा का ही नाम आता था, उसने क्या किया अपना जो ये पर्सन था जिसने ये बनाए थे पत्थर में बनाने पहली बार शुरू की थी उसका नाम भी लिखवा दिया था, राइट, अब हम इस पैराग्राफ को देखते थे हमें क्या पता लगता है, बताया कि कितना बड़ा है, क्या साइज है, कितनी दीवारें, कितनी ट्रेंचेस, और लास्ट में एक पॉइंट और आ गया कि राजा इतना खुश हुआ उसने अपने नाम के साथ साथ उस बंदे का नाम भी लिखवा दिया जिसने इसको बनाने का काम में उसकी मदद की थी, राइट, अगेन अब देखें अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, एरिया एंड आर्टिफैक्ट विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, ओके अब देखो अब इसमें क्या है, एरिया एरिया की बात हुई है, इसके अंदर आर्टिफैक्ट उसके अंदर क्या क्या था इसकी बात हुई है, ये नहीं हुई है पर एरिया की बात हुई है, लेट्स जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसको लिख लेते हैं,
यहाँ हो सकता है ये, है ना, क्योंकि एरिया की बात हुई है। डिफिकल्ट टास्क नो, इन जिसे पर बच्चों को बताया नहीं, सर्टेनिटी ये भी नहीं, ये पहले हो चुका है। ओवरव्यू एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरिया ये हो सकता है ना, बाहर की बिल्डिंग और एरिया कितना था, यस ये भी एरिया और एक्सटर्नल बिल्डिंग की बात हुई। एक्सटर्नल बिल्डिंग क्या हो गई, जो दीवार बनी है और जो ट्रेंच है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक पिरामिड का डिजाइन जिसको और लोगों ने कॉपी किया, ना ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आइडिया ऑफ चेंजिंग वो पहले ही हो चुका है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंसर टू सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी नहीं है। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है एरिया और आर्टिफैक्ट, दूसरा क्या है एरिया और एक्सटर्नल बिल्डिंग। इसमें भी एरिया, इसमें भी एरिया, एरिया की बात हुई है लेकिन आर्टिफैक्ट की बात नहीं हुई। अभी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो चीजें, जैसे कि आप म्यूजियम में जाते हो, वहां पे मूर्तियां रखी हुई हैं, बर्तन, गहने, किताबें, ये सब कुछ, इनको कहते हैं आर्टिफैक्ट। तो इसमें नो डाउट एरिया की बात की गई है लेकिन आर्टिफैक्ट की बात नहीं की गई है, तो इसलिए ये हमारी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगी। अब हमारा इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर हमारा बन गया फिफ्थ, राइट। सो आंसर इज फिफ्थ। तो आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ एक ही हेडिंग हो सकती है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे हमने हमारा पूरा फोकस एलिमिनेशन मेथड की तरफ होना चाहिए, अगर हम हेडिंग को क्लियरली सही ढंग से करना चाहते हैं। अगर आप आंसर ढूंढोगे तो आप बैठ के ढूंढ लेना, आपको उसके दो दो तीन तीन आंसर हर एक पैराग्राफ के मिल जाएंगे, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं वैसे हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि हाँ अब ये सही आंसर है, राइट। ओके, अब हमारे पास चार क्वेश्चंस के आंसर आ गए और आपने देख लिया चारों चारों कितने ट्रिकी थे। अगर बहुत सारे बच्चे जब इनको क्लास में करते हैं तो अभी तक ही वो कंफ्यूज हो चुके होते हैं, एक एक पैराग्राफ पर उनको दो दो तीन तीन ऑप्शन दिख रही होती हैं, और उसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं किया। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है वो तो मैं आपको समझाऊंगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, वो आपने करना है, राइट। तो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट तीन पैराग्राफ में डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन आंसर आपने ढूंढने और नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर ई। द बरियल चैम्बर ऑफ द टॉम्ब वेयर द किंग्स बॉडी वाज लेड टू रेस्ट वाज डग बीनीथ द बेस ऑफ द पिरामिड सराउंडेड बाय अ वास्ट मेज ऑफ लॉन्ग टनल दैट हैड रूम ऑफ देम टू डिस्करेज रॉबर्स। अब कह रहे हैं जो राजा की जो उन्होंने कब्र रखी थी वो बिल्कुल सेंटर में रखी थी, उसके आसपास बहुत सारे टनल्स बना दिए थे ताकि जो चोर लुटेरे हैं वो उस तक ना पहुंच सके। वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी फाउंड इनसाइड द पिरामिड वाज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन वेसल। अरे एक हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहां पर स्टोन वेसल थे, वेसल मींस बर्तन जिसमें पानी या कुछ चीजें रखी जाती है ना, उनको कहते हैं वेसल। तो कह रहे वहां पे पत्थर के वेसल थे। और 40,000 ऑफ दीज वेसल ऑफ वेरियस फॉर्म एंड शेप वर डिस्कवर्ड इन स्टोर रूम ऑफ द पिरामिड अंडरग्राउंड पैसेज। 40,000 के करीब मिले हैं ये, कितने मिले हैं 40,000 इस तरह के वेसल्स मिले हैं, राइट। दे आर इंस्क्राइब विद द नेम ऑफ रूलर फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन। अब वह कह रहे हैं इन जो वेसल है इनके ऊपर ना इससे इस राजा से पहले वाले राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, इंस्क्राइब है, खोद के उन्होंने लिख रखे हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग स्कॉलर एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑन व्हाई द वेसल वर प्लेस इन टॉम ऑन डिसलजर और व्हाट दे आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट। अब कह रहे हैं इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा कि इन्होंने ये बर्तन यहां पर, ये पत्थर के जो ये वेसल्स हैं ये क्यों रखे थे, है ना। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जॉन फिलिप लॉर हु एक्सकेवेटेड मोस्ट ऑफ पिरामिड एंड कॉम्प्लेक्स बिलीव दे वर ओरिजिनली स्टोर्ड एंड देन गिवन अ प्रॉपर बर्लियर बाय डिसोजर इन हिज पिरामिड टू ऑनर हिज प्रेडिसेसर। अब एक जॉन फिलिप नाम से है आर्कियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं भाई ये इसलिए थे क्योंकि जो जॉन अपना डिसोजर था वो अपने पुरखों को इज्जत देना चाहता था, इसलिए उसने उनके नाम भी उन पर लिख के लिख दिए। देर आर अदर स्टोरियन कह रहे कुछ और हैं, वो क्या कहते हैं Who claimed the vessel were dumped into the shaft as yet another attempt to prevent grave robbers from getting to King's burial chamber? कह रहे कि कुछ और लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हो सकता है ये पत्थर इसलिए रखे गए थे, पत्थर के जो वेसल थे, ताकि जो लुटेरे आए उनको लगे यहाँ तो सारा कुछ पत्थर का ही है, यहाँ पे कुछ कीमती सोना या इस तरह की चीज नहीं है, तो हम इसको ना लूटे हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि ये दो मेथड हमारे पास नजर आते हैं हमें, राइट। अपने ये पैराग्राफ पढ़ा था हमें कौन कौन सी दो चीज पता लग रही है, ठीक है। एक तो ये है कि जहां पे किंग की बॉडी रखी गई थी वो उसको सेंटर में रखा गया था, उसके आसपास बहुत सारे टनल्स थी। दूसरी बात हमें हैरानी की बात ये है कि वहां पर 40,000 क्या है हमारे पास स्टोन के वेसल्स हैं जिसके ऊपर पुराने राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। अब ये क्यों रखे गए थे वेसल, इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं, एक तो ये कि ये राजा अपने पुरखों को ऑनर करना चाहता था, दूसरा क्या है कि दूसरा ये कि वो चाहते थे चोर इनको चोरी ना करें। अब ये रही आपकी ऑप्शंस, ठीक है।
देखो ढूंढो क्या आंसर होना चाहिए। एरिया और आर्टिफैक्ट विद इन द पिरामिड, एरिया था पिरामिड का, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, वो डिफिकल्ट टास्क फॉर दोस्त। अब ये आपको थोड़ा और आसान होगा, ये आंसर मैंने ढूंढ के आपको देते वो फिट भी नहीं होने वाले। द किंग हु सेव्ड हिज पीपल, अ सिंगल सेट इंडिया अपॉन लेस डिफरेंट फैक्ट, एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग, पिरामिड डिजाइन टू अदर, ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपने आंसर खुद ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बता। अभी अपने पास लिख लो पैराग्राफ ई और क्या आंसर होगा आपका इसमें से, ठीक है? तो अब इससे अगला वाला पैराग्राफ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑल द प्रिकॉशंस एंड इंट्रिकेट डिजाइन ऑफ द अंडरग्राउंड नेटवर्क डिड नॉट प्रिवेंट एशियंट रोवर्स फ्रॉम फाइंडिंग अ वे इन। कह रहे उसने तो बहुत कोशिशें करी है ना, पत्थर भी डाले, दीवारें भी बनाई, ट्रेंच भी बनाए, लेकिन चोर पहुंच ही गए उसके। ग्रेव गुड्स एंड एवर हिज बॉडी वॉज स्टोलन एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड आर्कल फाउंड वर स्मॉल नंबर ऑफ हिज वैल्यूएबल ओवरलुक बाय थीव्स। भाई वो कह रहे जो उसके उसने जो भी कीमती सामान रखा था उसके अंदर वो उन्होंने चुरा लिया, उसकी बॉडी भी उठा के ले गए वो लोग, ठीक है? और जो जो आर्कियोलॉजिस्ट आज ढूंढ रहे हैं उनको क्या मिला है, कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनको चोरों ने छोड़ दिया था, जो अपने साथ नहीं लेके गए थे। देर वॉज इनफ लेफ्ट थ्रू आउट द पिरामिड एंड कॉम्प्लेक्स हाउवेयर टू एस्टोनिश एंड अमेज द आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन कह रहे फिर भी जो बचा था वो भी इतना अच्छा था कि आज भी उसको देखकर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, राइट? वन सेकेंड, अब इसमें क्या बताया उन्होंने कि भाई उन्होंने इतनी कोशिश करी लेकिन चोर तो फिर भी चुरा के ले गए, और फिर कुछ ही चीजें जो उनको लगा चोरों को कि किसी काम की नहीं है वो पड़ी थी, लेकिन वो चीजें भी इतनी हैरान करने वाली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो उसको देख के अमेज हो जाते हैं, राइट? अब अगेन इसका आंसर भी आपने ढूंढना है, ठीक है? एफ पैराग्राफ का क्या आंसर होगा देखो, हेयर इज योर, हेयर आर योर ऑप्शन, पिक करना है और आपने अपने पास लिखो और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि हाँ इसका आंसर क्या था, राइट? एक पैराग्राफ अभी और है, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया, और ये लास्ट पैराग्राफ है, ये आपने टोटली अपनी तरफ से खुद से करना है, इसको मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेट्स सी कितना होता है। इतना मुश्किल नहीं है, इट्स इजियर वन, क्योंकि बाकी सारे हमें आंसर मिल भी गए हैं, इसका आंसर आपको जल्दी से आसानी से मिल भी जाएगा। इजिप्टियोलॉजिस्ट मिरोस्लाव वर्नर, राइट? फ्यू मॉन्यूमेंट होल्ड अ प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एज सिग्निफिकेंट एज दैट ऑफ द स्टेप पिरामिड इन सकारा। इट कैन बी सेड विदाउट एग्जैगरेशन दैट दिस पिरामिड कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूट्स अ माइल स्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर इन इजिप्ट इन द वर्ल्ड एज अ होल। द स्टेप पिरामिड वॉज अ रेवोल्यूशनरी एडवांस इन आर्किटेक्चर एंड बिकेम द आर्किटाइप विच ऑल अदर ग्रेट पिरामिड बिल्डर्स ऑफ इजिप्ट वुड फॉलो। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि जो ये लास्ट लाइन है ना, इससे आंसर आएगा आपका, ठीक है? ढूंढो आंसर। अब ये तीन पैराग्राफ के आंसर आपको ढूंढने हैं और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दीज आर द ऑप्शंस, दिस इज योर क्वेश्चन। तो ठीक है, सो दिस वाज अवर प्रैक्टिस ऑफ हेडिंग्स विद एलिमिनेशन मेथड और विद स्ट्रेटजी। आई होप इसको यूज करने के बाद आपको हेडिंग्स में जो डर लगते हैं, जो हेडिंग्स में आपको प्रॉब्लम होती है, वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, राइट? और प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, प्लीज हमारे साथ वो शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे बड़ी जरूरी बात, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वो बच्चे जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फ्री डेमो क्लास लगा सकते हैं, एंड होपफुली आप भी हमारे टारगेट 9 फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। Have a nice day ahead. Bye-bye.